छन से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। ये फूल मैं आपके लिए लाया हूं सब दिल की गहराइयों से। ना तो मिस्टर ली बीमार हैं और नहीं पाकिस्तान। सर आपकी कलात बात तय हो गई है। कांग्रेट सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत मुबारकबाद एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए और मुझे तोड़ने के। नहीं तुम्हें तो थैंक यू। ओह गॉड समिया। ये क्या है? हटाओ इसे। सुर्ख जोड़ा ही जेब देता है। सुर्ख नहीं है कोई आपके पास? बकवास बंद करो। ये लाल जोड़ा मुंह पर इतना अच्छा लगेगा। देखो। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपके पास कैटलॉग में और ड्रेसेस हैं? जी बिल्कुल। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है ना कश्माला। ये आपके पास है? जी मैम। ये वाला दिखा। ओके। ये भी वैसे अच्छा है। ये मैं अपनी शादी में पहनूंगी। आओ। ये देखिए आंटी। सॉरी मैडम, ये फैशन शो में पहली बार डिस्प्ले हुआ है। अब तक कराची में किसी ने नहीं पहना। बहुत उम्दा काम हुआ है मैडम। ये देखें जरा। क्या ख्याल है राजा? जी बाजी, इसका तो वर्क भी बहुत नफीस लग रहा है। आई थिंक आप यही डन कर लें। बहुत अच्छा है। क्या दाम है इसके? मैडम सिर्फ 385,000। मुनासिब दाम है। पैक कर दें। रोशनी मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, बहुत प्यारा है ये तो। कैसा लगा? एकदम आला। जी मैम, ये वही है जो आपको पिक दिखाई थी और ये हमारे पास एक ही है। छोड़ो इसे। खबरदार जो मेरे भाई की दुल्हन के जोड़े को अपने नजिस हाथ लगाए तुमने। नजिस? ओ भाई क्यों? आप कौन है इस बॉल की ओनर? खुदा खुदा करके तो मैंने उसे वापस जॉब पर बुलवाया। मेरा ही दिल जानता है, अपने आप से लड़कर मैंने उसे लंच पर बुलवाया। वो फूल किस कयामत से गुजर कर उसे वो फूल दिया। वो धीरे से मुस्कुराई, जिंदगी एकदम हशाश पशाश हो गई, खिलखिलाकर हंस पड़ी और बाजी ने मेरी लाइफ का बैंड बजा दिया। क्या जरूरत थी मिठाई ऑफिस भिजवाने की? कैसे मनाऊं उसे, कैसे समझाऊं कि ये मंगनी नहीं एक हादसा है जो अचानक मेरी जिंदगी में कल रात हो गया। प्लीज समिया फोन उठा लो। कमाल, कोई तो मेरा दुख समझता है।
सारा कसूर मेरा है। मैं भी तुम लोगों के साथ बच्ची बन गई। एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि लोग जैसे नजर आते हैं वैसे नहीं होते। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। ये जोड़ा हमारा है। रे दादी अम्मा, आपकी उम्र निकल चुकी है और आपको शर्म नहीं आती इतना भारी जोड़ा पहनते? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए लड़की, कि अपनी शादी का जोड़ा खरीदने के लिए खुद निकल पड़ी हो। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है राजा, दूधों का पानी ढल गया लड़कियों का। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो रोजाना पानी आता है, और अगर नहीं आता पानी हम टैंकर डलवा लेती है। लगता है आपके घर मर गया होगा पानी। और हाँ, ये जोड़ा मेरे लिए नहीं, मेरी अम्मू के लिए। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। क्या ये तुम्हारी माँ की शादी का जोड़ा है? तुम्हारी माँ शादी कर रही है? हाँ। बेहया माँ की बेहया बेटियाँ। वो आंटी, हमारे बाबा बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो इसलिए। बस बस, हमें तुम्हारे घटिया खानदान की बेहुदा तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं है। ये जोड़ा हमारी मिल्कियत है और ये हमारे भाई की दुल्हन के लिए बनाया गया। बस, कार्ड हमारे पास भी है, हमारे पास अब तक कार्ड निकालो। क्या मतलब है? हम दूसरा ले लेंगे। चलो, क्या मतलब है? इससे अच्छा मिल जाएगा हमें। लेट्स गो। जल्दी कीजिए ना, बहुत लेट हो रहा है। ये मैम आपका ड्रेस। थैंक यू। रसीद भी इसी के अंदर है, आप दुल्हन को ट्रायल के लिए भिजवा दीजिएगा, हम सो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सी देंगे उनका। जी थैंक यू। चले राजा, टके टके के लोग आ जाते हैं आला जगहों पर खरीदारी करने के लिए। वैसे बड़ी बी ने फजूल में इतना महंगा जोड़ा खरीद लिया, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। खैर। ओह माय गॉड दादी जान, ऐसा करें कि ये 100 रुपए का कड़क नोट था अपने पास रखे, मुझे बैग, हियर इट इज, और अपने भाई की शादी से पहले अपनी चादर जरूर सिलवा लीजिएगा। टेक केयर, बाय। आपको अपना जोड़ा मुबारक हो। लड़कियों, कहाँ थी तुम दोनों? समय बीबी कब से तुम लोग वापस पूछ चुकी? अम्मू, अम्मू घर पे रहे, इतनी जल्दी आ गई? हाँ तो अम्मू तो लंच पे गई थी। लंच पे मीठी मीठी बातें हुई होंगी, इतना रोमांटिक एम्बियंस, इतने अच्छे लंच के बाद कोई भला जाता है काम करने, है ना रोशनी? नहीं, मुझे मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है। अम्मू, 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 अरे क्या अम्मू, 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 कैसा था? अम्मू, क्या हुआ? लंच कैसा था? ठीक। तो अम्मू, आपका मूड क्यों खराब है? क्या हुआ है बताएं प्लीज। कुछ नहीं, मिग्रेन हो रहा है, दवाई ली है, अभी आराम आ जाएगा। अम्मू अंकल, तो रात तो आपके साथ ठीक थे ना? मेरा मतलब है, मतलब ऑर्डर अच्छा दिया ना उन्होंने खाने का, कंजूसी वगैरह तो नहीं किया बड़े मियां ने? इसीलिए समझाती हूँ बेटा, खुली आंखों से ख्वाब मत देखा करो।
हकीकत आंखों में छुपती जरूर है लेकिन झूठ नहीं होती। सारा कसूर मेरा है, मैं भी तुम लोगों के साथ बच्ची बन गई। एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि लोग जैसे नजर आते हैं वैसे नहीं होते। खुद गर्ज बन गई थी मैं, औरंगजेब की जुदाई भी भूल गई। अपनी खुशी के आगे मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। कल बॉस की मंगनी हो गई। What? 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 मिठाई भिजवाई है उनकी बहन सारे ऑफिस में। मुझे माफ कर दे। उठो गुलनार, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कमजाती का है। अगर तुम मेरी नमकखार होती तो कभी ये हरकत ना करती। जाने दीजिए बाजी, इस बेचारी का कसूर नहीं है, इसने जानबूझ के थोड़ी किया होगा ऐसे। अरे रहा जहां, तुम इन लोगों को नहीं जानती। इनके मुंह पे तो मालकन मालकन होता है लेकिन इनके दिल में मेरे खिलाफ बुग्ज भरा हुआ होता है। जलती हैं ये मुझसे, हसद करती हैं। नहीं नहीं बाजी बेगम, अल्लाह मियां मुझे जलाकर खाक कर दे अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा भी हो, मुझसे गलती होगी। खामोश, चुप हो जाओ। बड़े साहब मुझसे गलती होगी। बाजी बेगम से मुझे माफी दिलवा दीजिए, मैंने जान के कुछ भी नहीं किया, मुझसे गलती होगी। आपको आपकी मनपसंद दुल्हन देगा जो आपके दिल पर राज करेगी। आमीन। चलो तुम अली तुराब की दुल्हन के सत्ते में माफ कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन अगले 6 महीने तक तुमको बगैर तनख्वाह के काम करना होगा, समझी? दफा हो जा अपनी मनहूस शक्ल लेके। आइए ना अली तुराब, बैठिए। आप पता नहीं कब से रहा जहां से नहीं मिले होंगे। जी कैसी हैं, बैठे। अम्मू फोन बज रहा है। अम्मू फोन बज रहा है, मामू की कॉल है दुबई से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से फोन किया आपने? क्यों भाई, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, क्या फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, वो ऐसा है कि नौकरी के पड़ गए हैं लाले। तो आप पाकिस्तान आ जाइए। अरे इतने बरसों से जमा जमाया है यहाँ, कैसे आ जाऊँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर वो पाकिस्तान के हालात। तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? तुम्हारी भाभी कह रही थी कि अगर वो मकान बिक जाता ना तो भाई बहन हम अपना अपना हिस्सा कर ले। इतनी बड़ी बात आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है भाई, औरंगजेब के प्लॉट पे फटाफट घर बनाओ या किराए पे जाओ, मुझे वो मकान फरोख करना है। अब्बा का असल वारिस मैं हूँ। जी वारिस, कभी अम्मा अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ने की तौफीक हुई है आपको? देखो समिया, मैं पहले ही परेशान हूँ और ताने सुनने की मूड में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो तो थोड़ा वक्त ले लो, मैं अगले माह कराची आता हूँ और फिर आके वो मकान की मार्केट वैल्यू भी तो चेक करनी है, फिर कोई कार्रवाई हो। ठीक है, अगर और कुछ ना हो सका तो मैं ही किराए पे चली जाऊंगी। अरे भाई तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, तो बच्चों को प्यार देना। हेलो अस्मा, अस्मा दफ्न बाद कब
क्या बात है अली खुराब, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? खैरियत तो है? और आज शाम को आपसे चाय पर भी मुलाकात नहीं हो सकी? जी बाजी, बस वो मेरी तबीयत ठीक है, बस ऑफिस के मामलात कुछ अजीब से हैं। पहले सब कुछ ठीक हो गया था, अब सब कुछ गड़बड़। चलिए ठीक है, आप ये देखिए, ये देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए ये क्या है? ये आपकी दुल्हन का जोड़ा है, ये हम मंगनी पे लेके जाएंगे। अब क्या मेरी मंगनी भी करेंगी आप? क्या हो गया आपको? मैंने आपको मना भी किया था कि ढिंडोरा मत पीटें, और आपने मेरे ही ऑफिस में मिठाई बंटवा दी। तो इसमें क्या मजायका है? बिल्कुल है ना, वो मिठाई ऑफिस जाती ना मिस समिया खाती और ना ही वो बीमार होती। क्या बातें कर रहे हैं आप अली खुराब? अच्छा, ये मिसेस खान वही तो नहीं है जिन्होंने 2-3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था? जी जी, वो मिठाई खाते ही तो उल्टियां शुरू हो गई थी उसे। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी भाजी, अब ऐसे एम्प्लॉय को तो घर जाकर देखना बनता है ना। अच्छा ठीक है, आपके साथ हम भी चलते हैं और उनकी मिजाज पुष्टि कर लेते हैं। गुलनार, हमारी चा भाजी आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप रहने दीजिए, मैं आपकी तरफ से आदत कर लूंगा। ओके, हम आपसे अमरीन की बात करना चाह रहे थे, और देखिए बात मिसेस खान तक पहुंच गई। अली तुराब, होश से काम ले। जी जी बाजी। हाँ तो बच्ची को अंगूठी तो हमने पहना दी है, अब बस उनका शुजर नसब मालूम करना है, मंगनी की तारीख तय करनी है और दीगर जरूरी मामला तय करने हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बस एक दफा मुझे पहले अमरीन से मिलना होगा, वो गिफ्ट्स वगैरह जो देने हैं। आखिरकार हमदानी इसका भरम भी तो रखना है, एक अंगूठी देने से क्या हो जाएगा भाजी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम कल ही अमरीन की माँ से बात करते हैं। बस आप मुझे उस बच्ची का I mean to say, वो अमरीन का सेल नंबर दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हमें तो बातों में ख्याल ही नहीं रहा, आप जाइए ना, पता कीजिए मिसेस खान किस हाल में है, दफ्तर की कोई ऐसी मुलाजिम 2-1 दिन भी छुट्टी कर ले तो बिजनेस का तो दिवाली ही निकल जाएगा। अब जाइए, देर ना कीजिए। जी मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाके रख के आओ। मैंने तो जब से आपको देखा है ना, मेरी रातों की नींद ही गायब हो गई है। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना तराब जी? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, जाए।
सुबह उठ जाती तो क्यों पहचानना नहीं उठी। कल रात बात तय हो गई है। कॉन्ग्रेट सर। मैम अमरीन से। मिस समिया आप मिठाई नहीं खा रही, लगता है कि सर की मंगनी की खुशी आपको नहीं हुई। किसका फोन था कश्माला? उसी खमीज बुड्ढे का। You mean, अंकल का फोन था? How mean? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें फोन करने की? और बहुत अच्छा किया तुमने जो उनका फोन नहीं उठाया। और ऐसे लोगों से ना दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है बात करने की उनसे। मैं और किसी को यूं ही छोड़ दो, वो भी जिसने अम्मू का दिल दुखाया? नेवर। लगता है शिकार खुद दरवाजे पकड़ गया। कश्माला! अरे आप, आप भी का तो इंतजार था, आप आइए ना, अंदर आए। बाहर क्यों खड़े हुए? कम इन, आए आए प्लीज कम। मैं दरअसल आप लोगों का फोन मिला रहा था कि मिसेस समिया फोन नहीं उठा रही, क्या मुझसे नाराज हैं वो? नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश है। आपने इतना अच्छा खाना खिलाया और फिर अपनी एंगेजमेंट की मिठाई। वो तो बाजी। अभी कश्माला कह रहे थे और अब बाजी, इसे हद होती। आप जैसे ठरकी आदमियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इधर की बात उधर करते हैं और उधर की बात इधर करते हैं। असल में बात पता है क्या है? बहुत बड़े फ्लर्ट हैं आप। ना जाने कितनी औरतों से रोजाना फ्लर्ट करते होंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ। आप ऐसे ही हैं, डरपोक और बुजदिल। जब मोहब्बत करके निभा नहीं सकते थे तो क्यों अम्मों को परेशान किया? हाँ बोले। अब ना वो हमारे सामने रो सकती है और ना ही अपने आंसू पी सकती। कश्माला बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं। अब आप चले जाएं यहाँ से, चले जाएं, प्लीज चले जाएं। और हाँ, ये मत समझिएगा कि आपकी अगर मंगनी हो गई है तो हमारी अम्मो रो रो के अपनी जान दे दी। हम भी बहुत जल्दी उनकी एंगेजमेंट करवा देंगे, किसी डाउट में ना रहे। किससे? है कोई, बल्कि हजारों लोग, बहुत सारे अम्मो के दोस्त हैं जो उन्हें पसंद करते। और आप क्या चीज हैं? वो तो बहुत हैंडसम है। अरे भाई जाएं यहां से, वक्त जाया ना करें हमारा। बुड्ढे खूसट पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ये करेंगे हमारी हमारी अम्मो से शादी? लीव मैन। कश्माला, ये बहुत ज्यादा नहीं हो क्या? हुआ तो है, मगर तुम जानती हो एक दफा मेरे बोलने की ट्रेन शुरू होती है ना तो आखिरी स्टेशन पे जाके ही रुकती है। And you know that. जी, I know that. बल्कि अगले स्टेशन पे भी नहीं रुकती है। मैं दरवाजा बंद करके। लॉक कर देना। गुड मॉर्निंग सर।
हेलो हेलो बानो आप हैं? हाँ हम बानो बात कर रहे हैं, आगे बोलो किसको छेड़ने के लिए फोन किया यहाँ? अरे बानो एक आप ही तो हैं हसीन जवान, आप ही के लिए तो कॉल की है। ओ यल्ला, अरे हम तुम्हारी माँ के बराबर होंगे बेगैरत बदतमीज। अरे बानो आप मेरी माँ के बराबर नहीं, मेरी माँ की तरह हैं। मैं आशिर बात कर रहा हूँ, अमेरिका से, जमरूद आपा का बेटा। अरे हाय आशिरिया भाई, बहुत शरारती है, हद हो गई। ऐसे छेड़ते हैं अपने बड़ों को। सर आप जी कौन? अरे मैं अंबर, आपकी अमरीन। अंबर कौन? अरे मैं अमरीन सैयद, आपकी मंगेतर। आप कैसे हैं? मैंने तो जब से आपको देखा है ना, मेरी रातों की नींद ही गायब हो गई है। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना तो आप जी? अंबर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, कैसे हैं? समिया, आई मीन मिसेस समिया, मेरी बात तो सुनती जाएं प्लीज। आप काफी मसरूफ लग रहे हैं सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यार कमाल, तुम शर्ट हार के भी जीत गए, दाल में कुछ नहीं, ठीक ठाक 100% काला है। मैं अफवाह फैलाने वालों में से नहीं हूँ मिस नाजिश। फिलहाल हॉट न्यूज ये है कि मैं डिजाइनर सूट परचेज कर रही हूँ। अब सेविंग पैसों से? वो किस लिए? अरे तुम्हें नहीं पता, सर हिटलर की शादी है स्वीट हार्ट, और किस लिए? बाय द वे सना, तुम क्या पहनोगी? देखा जाएगा, अभी सिर्फ मिठाइयां बटी हैं, और हो सकता है ये बात आगे बढ़े ना, क्योंकि आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड, वैसे अगर आप चाहें ना और इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बंगाली बाजी के दफ्तर ले जाऊं, यही 2 नंबर में चमड़ा चोरंगी के पास। मगर किस लिए? बंगाली बाजी बहुत जलाली है, ऐसे वज़ाइफ़ और अमल करती है कि महबूब आपके कदमों में सौतन को ऐसे जला के राख करती है कि बस शादी की बंदिश हो, सौतन की मौत, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल है। वैसे कमाल, ये बंगाली बाजी चार्जेस कुछ ज्यादा लेती होगी ना? मामूली, बहुत ही मामूली, वो भी आधे एडवांस में और आधे काम करने के बाद। सना तुम्हें कुछ करवाना है? बच्चियां आ जाएं जल्दी से, अरे मैं बताऊंगी। आ गई बच्चियां, अरे आ गई मेरी बच्चियां। क्या हुआ बानो, इतनी खुश क्यों है? साथ वालों के खानसामे ने प्रपोज किया है क्या? कॉलेज से इस तरह की बातें सीख के आती हैं आप, गंदी बातें। अल्लाह बानो माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा बताओ क्या हो? बानो
मैंने आपको कहा है ना, मुझे भिंडी गोश्त नहीं पसंद, आपने फिर भिंडी गोश्त बना ली है। मैं खाना नहीं खाऊंगी अब। बाबा आशीर बाबा को तो पसंद है, उन्हें हमारे हाथ का भिंडी गोश्त और कच्चे की कबाब बहुत पसंद है, हमेशा शौक से खाते हैं। क्या पड़ोसियों के कुकर ना आशीर? कश्माला आशीर बाबा समिया बीबी के खालाजाद भाई हैं, जमरूद आपा के बड़े बेटे। हाँ हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। जिसको आपके हाथ का भिंडी गोश्त पसंद होगा वो तो बिल्कुल ही फारिग होगा। ऐसे आए कहाँ से? सांगर से या टोबा टेक सिंह से? अरे नहीं, कल ही आए अमेरिका से और आज आ रहे हैं समिया बीबी से मिलने। और तुम भी शाम को जरा ढंग के कपड़े पहन लेना, जीन्स वीन्स ना पहन लेना कहीं। अच्छा बानो, बस हमें बोर मत करें। हमें ना कोई शौक नहीं उस मोटे गेंडे तोंदू पेटू मोटे कजन अंकल से मिलने का। बिल्कुल हमें कोई शौक नहीं है, वो किसी मोटी सी आंटी के साथ आ जाएंगे अपने दो तीन नकचड़े बच्चों के साथ। हनी वाना जाओ, बिल्ली स्क्रैच कर लेगी, ब्ला 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 ब्ला, हमेशा इंग्लिश में बोलते होंगे। क्यों आशीर बाबा ने शादी नहीं की समिया बीबी के गम में? क्या क्या बोला बानो, फिर से कहना। अरे मैट्रिक में थे दोनों, जब से एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर तो फिर क्या, तुम्हारे नाना अब्बा ने समिया बीबी का हाथ औरंगजेब बाबा के हाथ में दे दिया, बस फिर क्या था। आशीर बाबा तो गम से निढाल अपनी अम्मा जमरुद के साथ अमरीका से धार गए। मतलब पुराना प्यार बैक इन 2016। अच्छा बानो आपने अम्मा को बताई ये बात? अरे नहीं बिटिया, कहां, वक्त ही नहीं मिला हमें। बानो बानो मेरा कोई शलवार सूट है? हाँ पर आप तो पहनती नहीं बिटिया। बस बस ऐसा करें कि उसे प्रेस कर दे, मैं आज रात ही पहनूंगी। क्या कहा था मैंने तुमसे? मान लो कि मैं गुरु हूँ, मैंने अम्मो के लिए रिश्ता सोचा और वो आ आ आ आ आ गया। इस रिश्ते में कुछ खास है। चलो यार कपड़े। पागल खुश रखे क्या बच्चियां हैं बाबा। अरे चलिए मान भी ले कि आपकी बेटी की उम्र वही है जो आप बता रही हैं, तो फिर जिस वक्त मैं उसको अंगूठी पहना रही थी उस वक्त आपने मुंह में लड्डू शुरू रखे थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं मना किया? अरे तो आपने मुझे कुछ बोलने की मोहलत ही नहीं दी। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, क्या आपके शौहर को इस रिश्ते पर एतराज है? आखिर वो होता कौन है रिश्ते पर एतराज करने वाले? अंजुम बहन, मेरे मियां शौकत अमरीन के वालिद हैं। मेरा मतलब है काबिल एतराज बात क्या है इस रिश्ते में, किस बात पे एतराज है उन्हें? माशाल्लाह मेरा भाई रईस है, खानदानी है, हसब नसब अच्छा है उसका, वजी है, उस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर एतराज किस बात पे कर रहे हैं वो? वो तो सब ठीक है अंजुम बहन, बस अली तो आपकी उम्र जरा अमरीन से कुछ ज्यादा है। अमरीन तो अभी 23 की भी नहीं हुई। हमें अच्छी तरह से पता है सारी लड़कियों की माएं अपनी बेटियों की उम्रें 5 साल कम से कम कम ही बताती हैं। चलिए मान भी लें कि आपकी बेटी की उम्र वही है जो आप बता रही हैं, तो फिर जिस वक्त मैं उसको अंगूठी पहना रही थी उस वक्त आपने मुंह में लड्डू शुरू रखे थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं मना किया? अरे तो आपने मुझे कुछ बोलने की मोहलत ही नहीं दी। बस ये रिश्ता तय हो चुका है, हमने लड़की को अंगूठी पहनाकर अपने भाई से मंसूब कर दिया है। अब ये हमदानी खानदान की अना का मसला है। हम तो सारे खानदान में मिठाई भी बंटवा चुके। अंजुम बहन मुझे एक मौका तो और दीजिए, मैं अमरीन के वालिद से एक मर्तबा फिर बात करके देखती हूँ। मोहतरमा शायद आप ऊंचा सुनती हैं, हमने कहा ना ये रिश्ता तय हो चुका, हम लोग आज शाम ही आ रहे हैं शगुन का जेवर मिठाई और कपड़े लेकर। आज शाम ही आपके शौहर से भी बात हो जाएगी और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस चादर जला के बुरा शुकुर करती और ना मेरी इज्जत इस तरह से तार तार होती। तब आ जाओ। अरे अचानक कहा समिया बीबी, कुछ फैसले खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं, जैसे आज आशिर मियां का आना। तो हमें चाहिए कि उस मर्जी को खामोशी से कबूल कर ले। बस अमरीन, आई लव यू, और तुम ही मेरी आइडियल चॉइस। तुम्हें पता है मैंने इतने बरस शादी नहीं की, लेकिन लगता है अम्मी की बात माननी पड़ेगी। यार समिया, मुझे ना शादी करनी है।